टीडीएस की डिडक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है टैक्स पेयर को दिया गया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीज़न है। तो वो पूरा डिसीज़न क्या है, चलिए डिटेल में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो फैक्ट ऑफ द केस हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक एसएससी हैं, वो एसएससी जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्होंने एक कंपनी को जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की। अब वो कंपनी है, जब उन्होंने उसको पेमेंट की एसएससी को, तो टीडीएस कटने के बाद ही जो है वो पेमेंट की गई। बट वो जो टीडीएस डिडक्ट किया गया इस कंपनी के द्वारा, जिसको आप डिडक्टर बोलेंगे, उन्होंने ये जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। अब एसएससी का तो जो है वो टीडीएस कट गया था, तो एसएससी ने क्या किया, वो जो टीडीएस उसका कटा हुआ था, वही टीडीएस की अमाउंट उसने जो अपनी आईटीआर फाइल की, उस आईटीआर के अंदर उस टीडीएस की अमाउंट को क्लेम कर लिया, और इस तरीके से जो भी उसकी टैक्स पेबल बनता था उसको कम कर लिया। बट असेसिंग ऑफिसर ने उसका वो जो क्लेम है टीडीएस का, वो रिजेक्ट कर दिया और उतने ही अमाउंट की जो है डिमांड रेज कर दी। तो एसएससी का कहना ये था कि मेरा जो टीडीएस कट चुका है, इसलिए मैंने आईटीआर के अंदर क्लेम किया है। बट वहीं असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि आप इससे रिलेटेड कुछ फॉर्म 16A वगैरह दिखा दीजिए मुझे, तो जो कि एसएससी नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसका जो कंपनी थी डिडक्टर था, उसने वो जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट ही नहीं करवाया, तो टीडीएस की रिटर्न कहाँ से फाइल की होगी, तो इसलिए वो फॉर्म 16 उसको नहीं दे पाया। फर्दर असेसिंग ऑफिसर का ये भी कहना था कि ये जो आपका टीडीएस आप क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, ये आपका 26AS के अंदर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो AO था, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और उनसे जो है वो डिमांड रेज कर ली उस टीडीएस की अमाउंट की, जो उन्होंने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर क्लेम किया था। तो इस तरीके से ये जो फैक्ट ऑफ द केस ये हैं, और उसके बाद जो एसएससी हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस जो है वो चला गया। तो अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का क्या डिसीजन इसके ऊपर आया। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बताया कि इस बात में तो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि जो भी डिडक्टर है जो आपको पेमेंट करेगा, वो टीडीएस को काटने के बाद ही पेमेंट करेगा। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, जो सेक्शन का उन्होंने रेफरेंस दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो सेक्शन 205 का रेफरेंस देते हुए ये बताया है, अगर किसी एसएससी का टीडीएस कट चुका है, तो उस केस में उस एसएससी से उस अमाउंट की टैक्स डिमांड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो अमाउंट उसने ऑलरेडी टीडीएस की फॉर्म में ऑलरेडी कटवा चुका है। तो जब उसका पहले ही टीडीएस कट चुका होगा, टैक्स कट चुका होगा, और दोबारा से उतना ही अमाउंट उससे दोबारा से टैक्स मांग लेना, तो कहीं ना कहीं ये जो है जायज़ नहीं है। तो ये क्लियरली सेक्शन 205 का रेफरेंस जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, और वहाँ पर ये बताया कि जो टीडीएस का अमाउंट ऑलरेडी कट चुका होगा, उतना आप डिमांड रेज नहीं कर सकते हैं। फर्दर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया कि फॉर्म 16A जो होता है, ये एक एविडेंस होता है कि आपका टीडीएस कटा हुआ है, इसके अंदर तो कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बट ये भी बोला कि फॉर्म 16A का होना ही केवल एक पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, अगर एसएससी कोई भी रिलायबल मटेरियल एविडेंस दिखा देता है अदर देन फॉर्म 16A भी, तो उसको भी प्राइमा फेसिया जो है ये मान लिया जाएगा कि उस एसएससी का जो है टीडीएस कटा हुआ है, और वो एसएससी उस टीडीएस को अपनी आईटीआर के अंदर जो है क्लेम कर सकता है सेक्शन 205 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये भी बताया कोर्ट ने कि जो एसएससी है उसको आप टैक्स डिडक्टर की दया पर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसएससी ने तो अपना टीडीएस कटवाया है, और जो कंपनी है डिडक्टर है उसने टीडीएस काटा भी है, बट वो जो टीडीएस है वो किसी भी रीज़न की वजह से उसने जमा नहीं करवाया, फॉर्म 16A जो है इशू नहीं किया गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से जो एसएससी है उसके ऊपर जो है बर्डन नहीं डाला जाना चाहिए। तो ये जो प्रेजेंट केस में ये मैंने आपको बता ही दिया है कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फाइल कर ली थी, और वहाँ पर जो है टीडीएस क्लेम कर लिया था। और देखिए यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट में क्या किया, जो एसएससी है उन्होंने सपोर्टेड द सेम विद हिज लेजर अकाउंट, तो उन्होंने जो टीडीएस क्लेम किया था इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर, यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट में अपना लेजर अकाउंट जो है वो लगा दिया था असेसिंग ऑफिसर के सामने। तो जैसा कि देखिए कोर्ट ने भी माना है, अगर आपके पास फॉर्म 16A अगर नहीं है, तो उसके अलावा कोई भी जो मटेरियल एविडेंस है वो आप जो है सपोर्टिंग एविडेंस दे सकते हैं, तो आपको टीडीएस का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो है लेज़र अकाउंट जो है वो लगा दिया। तो इस तरीके से देखिए जो कोर्ट है उसने यही बताया कि इस तरीके से जो है आप एसएससी को या टैक्स पेयर को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए, यहाँ पर एसएससी ने इवन कंप्लेंट भी फाइल की थी 25 जनवरी 2017 को रिवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास, मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसने ऑलरेडी कंप्लेंट भी की थी इस कंपनी के बारे में या इस डिडक्टर के बारे में, कि ये जो कंपनी है इसने मेरा टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया है बट वो डिपॉजिट नहीं करवाया है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा केस था, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, आप जाएँ तो पूरी न्यूज़ दोबारा से जो है इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने क्लीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके।